हेलो गाइस, आज इस वीडियो में मैं आपको एमएस वर्ड का इंसर्ट टैब बताऊंगा। और पिछली वीडियो में मैंने आपको होम टैब बताया था एमएस वर्ड का। अगर आपको वो वीडियो देखनी है, एमएस वर्ड का होम टैब पूरी कंप्लीट देखनी है, तो मैंने ऊपर आई बटन पे दे दिया, या आप लिंक डिस्क्रिप्शन में भी जाके चेकआउट कर सकते हैं उस वीडियो को। चलिए दोस्तों, अब सीखते हैं इंसर्ट टैब। अब देखते हैं इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब में आप देख सकते हैं कवर पेज है, इस पे क्लिक करेंगे तो ये आप देख सकते हैं इधर इतने सारे कवर पेज है। जो बुक का जो फ्रंट पेज होता है, जो कवर पेज होता है, ये उसी को डिजाइन करने के लिए काम आता है। जैसे सपोज मैं ये वाला कवर पेज इंसर्ट कर लेता हूँ, तो इस तरह आप देख सकते हैं कवर पेज जो है इंसर्ट हो चुका है। तो यहाँ पर आप कुछ भी नाम लिख सकते हैं, यहाँ पर आप जो आपको बुक का जो टाइटल है कुछ भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ऐसे करके आप कुछ भी लिख सकते हैं जैसा आपको ठीक लगे। ये बुक का जो कवर पेज होता है उसी के लिए डिजाइन करने के लिए यूज होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इतने सारे कवर पेज है, जो आपको ठीक लगे आप उसको इंसर्ट करा के कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर मुझे इसको रिमूव करना है इस वाले कवर पेज को, तो यहाँ पर क्लिक करूंगा और इधर रिमूव करंट ओवर पेज आप देख रहे होंगे ये लिखा हुआ है, इस पे जैसे मैं क्लिक करूंगा तो जो पेज है वो मेरा रिमूव हो जाएगा। अब देखते हैं इधर ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज को यूज करने से पहले इधर पहले एक पैराग्राफ मैं इंसर्ट करवा लेता हूँ। जैसे कि आपको पता ही है पैराग्राफ कैसे इंसर्ट करते हैं, इक्वल टू लिखेंगे रैंड ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज, फिर एंटर दबा देंगे तो पैराग्राफ इंसर्ट हो जाएगा। अब ब्लैंक पेज पे यूज सकते हैं। जैसा आप देख रहे होंगे जो मेरा इस ये जो फाइल है इसमें मेरे एक ही पेज है, नीचे कोई भी पेज नहीं है। और यहाँ पर साइड में देख सकते हैं वन ऑफ वन, यानी एक ही पेज है मेरे इस फाइल में। मुझे अगर दूसरा पेज चाहिए तो यहाँ पर ब्लैंक पेज पे क्लिक करूंगा। जैसे आप ब्लैंक पेज पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं ये आपका दूसरा पेज है और ऊपर ये पहला पेज है। इस तरह आप ब्लैंक पेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन है इधर पेज ब्रेक का। अब जैसे ये दो पैराग्राफ है, मुझे ये फर्स्ट ही पेज में चाहिए, लेकिन ये जो तीन पैराग्राफ है ये मुझे सेकंड पेज में चाहिए। तो थीम से लिखकर मुझे सेकंड पेज में चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, जो कर्सर है मेरा माउस का वो थीम पे क्लिक करूंगा स्टार्टिंग पॉइंट पर, और यहाँ पर पेज ब्रेक पे क्लिक करूंगा। तो जैसे मैं पेज ब्रेक पे क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हो थीम्स वाला जो पैराग्राफ था और जो उसके नीचे पैराग्राफ थे वो सेकंड पेज में आ गए, और जो ये पैराग्राफ है ये फर्स्ट पेज पे लगे। तो ऐसे आप पैराग्राफ को डिवाइड कर सकते हैं और आप अलग पेज में इंसर्ट करवा सकते हैं पेज ब्रेक की मदद से। और इसकी शॉर्टकट की होती है पेज ब्रेक की, कंट्रोल एंटर। जैसे मैं इसको अभी कंट्रोल जेड कर लेता हूँ, अब इसमें मैं कंट्रोल एंटर दबाऊंगा तो वो पेज ब्रेक हो जाएगा। थीम से ही करना है तो कंट्रोल एंटर दबाऊंगा तो आप देख सकते हैं कि जो पेज है वो ब्रेक हो चुका है। तो ये इसकी शॉर्टकट की होती है पेज ब्रेक की। अभी फिलहाल के लिए मैं इसको कंट्रोल जेड कर लेता हूँ, वापस ले आता हूँ मैं इसको। अब नेक्स्ट ऑप्शन है टेबल। जैसे आप इधर देख रहे होंगे टेबल है, ये जो ऑप्शन है इसकी मैंने पहले से वीडियो बना रखी है। मैं इस वीडियो का लिंक मैं आपको आई बटन पे भी दे दूंगा, या आप लिंक डिस्क्रिप्शन में भी जाके वहां से चेकआउट कर सकते हैं इस ऑप्शन के बारे में। अब नेक्स्ट ऑप्शन है पिक्चर। ये पिक्चर को इंसर्ट करवाने के लिए यूज होता है। जैसे दिस डिवाइस है और एक ऑनलाइन पिक्चर है, ऑनलाइन पिक्चर से आप नेट के थ्रू आप इंसर्ट करवा सकते हैं, और दिस डिवाइस मतलब जो आपके कंप्यूटर में पिक्चर होगी वहां से आप इंसर्ट कर सकते हैं। अभी फिलहाल के लिए मैं दिस डिवाइस आपको बता देता हूँ। दिस डिवाइस में जाके जहाँ भी आपने कंप्यूटर में अपने पिक्चर सेव करी है वहां से आप उस फोल्डर में जाके आप इंसर्ट कर लीजिए। जैसे कुछ इस तरह मैंने ये पिक्चर को इंसर्ट कर लिया। अब आप देख रहे होंगे जैसे आपने पिक्चर इंसर्ट करी तो एक फॉर्मेट टैब खुल जाएगा। अगर आप पेज के बाहर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं जो फॉर्मेट टैब है वो गायब हो गया, और जैसे पिक्चर पे क्लिक करेंगे जो फॉर्मेट टैब है वो वापिस आ गया। अब इसमें हम सीखते हैं, इसमें पहला ऑप्शन है हमारा रिमूव बैकग्राउंड। जैसे आप ये बैकग्राउंड को रिमूव करने के लिए होता है, जैसे इस फोटो का जो बैकग्राउंड है वो ब्लू है, मुझे इसको हटाना है बैकग्राउंड, तो मैं रिमूव बैकग्राउंड का इस्तेमाल करूंगा। इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं जो अंदर है स्क्वायर की तरह कुछ आ गया है। तो यहाँ से ना इसको आपको खींच कर आपको ना इस इमेज के साइज के हिसाब से स्क्वायर को ना सेट कर देना है, जैसे कुछ इस तरह।
ये स्क्वायर इसके ऊपर सेट हो रखा है, सेट हो गया है। उसके बाद यहाँ पर कीप चेंज है, इस पर क्लिक करेंगे जैसे ही, तो आप देख सकते हैं जो ब्लू बैकग्राउंड था वो रिमूव हो चुका है, अब इसके पीछे कोई भी बैकग्राउंड नहीं है। तो इस तरह आप रिमूव बैकग्राउंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी फिलहाल के लिए मैं कंट्रोल जेड कर लेता हूँ। अब उसके बाद है इधर करेक्शन, तो यहाँ पर करेक्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं इधर कई सारे सॉफ्ट है ना, जैसे पिक्चर अभी ऐसे सॉफ्ट में कुछ इस तरह आप अपने अकॉर्डिंग पिक्चर को सेट कर सकते हैं। यहाँ पर नीचे आपको ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट मिल जाएगा, जैसे आपको पिक्चर में ब्राइटनेस वगैरह देनी है उस तरह आप क्लिक कर सकते हैं। तो अभी मैं क्लिक नहीं कर रहा, लेकिन आप जैसे आपको पिक्चर ठीक लगे उस तरह से आप क्लिक कर सकते हैं। सेम इसी तरह यहाँ पर भी ऑप्शन है कलर, यहाँ पर कुछ इस तरह आप पिक्चर के अकॉर्डिंग जैसा आपको ठीक लग रही है पिक्चर उस हिसाब से यहाँ पर पिक्चर को सेट कर सकते हैं। और सेम यहाँ पर भी ऑप्शन है आर्टिस्टिक इफेक्ट में, यहाँ पर कुछ इस तरह आप पिक्चर में इफेक्ट डाल सकते हैं, कुछ इस तरह दे सकते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन है द कंप्रेस पिक्चर, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ रहा है यू डिफॉल्ट रेजुलेशन अप्लाई ओनली टू दिस पिक्चर। एक कंप्रेस पिक्चर इसलिए इस्तेमाल होता है जो आपकी पिक्चर का जो रेजुलेशन है वो कम हो जाता है, मतलब पिक्चर का जो साइज, जैसे सपोज पिक्चर अगर आपकी 1 MB की है तो जो अगर आप इस कंप्रेस पिक्चर का इस्तेमाल करेंगे तो आपको 500 या 600 KB की हो जाएगी, मतलब पिक्चर का साइज को घटा देती है कंप्रेस पिक्चर, इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और जैसे आप इधर ओके पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर सेव एज पिक्चर पर क्लिक करेंगे और फिर जहाँ आपको फाइल को सेव करना है इस फोटो को, वहाँ पर आप सेव कर सकते हैं। फिर आप देख सकते हैं जो आपका पिक्चर का जो साइज है वो कम हो जाएगा। अभी मैंने सेव नहीं करा, लेकिन आप सेव जरूर कर लेना, जिससे आपको पता चल रहा है कि हाँ आपकी पिक्चर का जो साइज है वो कम हो चुका है। अब नेक्स्ट ऑप्शन है चेंज पिक्चर, चेंज पिक्चर तो बेसिकली यूज होता है जैसे जिसका साइज है कि इतने साइज पर और इसी जगह पर कोई दूसरी पिक्चर आ जाए, तो इसलिए हम चेंज पिक्चर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे चेंज पिक्चर पे क्लिक करा, फ्रॉम अ फाइल से कर लिया और ये वाली फोटो इंसर्ट कर दी, तो आप देख सकते हैं उसी जगह पर ये फोटो इंसर्ट हो चुकी है जितनी एरिया पे उसने लिया हुआ था। तो इस तरह आप चेंज पिक्चर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी कंट्रोल में जेड कर लेता हूँ। अब नेक्स्ट ऑप्शन है रीसेट पिक्चर, यहाँ पर आप देख रहे होंगे दो ऑप्शन मिलता है, रीसेट पिक्चर एंड साइज। तो इसके लिए मैं कुछ पिक्चर में एडिटिंग कर लेता हूँ, जैसे कुछ इस तरह मैंने पिक्चर में एडिटिंग कर दी। अब यहाँ पर रीसेट पिक्चर मतलब कि पहले जैसा पिक्चर हो जाए, और रीसेट पिक्चर एंड साइज मतलब कि पहले जैसा साइज हो जाए। इसका साइज मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, कुछ इस तरह पिक्चर का जो साइज है छोटा हो गया। अब ये रीसेट पिक्चर एंड साइज मतलब होता है कि पहले जिसका पिक्चर हो जाए और जैसा साइज था पिक्चर का वैसा हो जाए, और मुझे साइज रीसेट नहीं करना लेकिन बस पिक्चर ही पिक्चर हो जाए तो पिक्चर हो जाएगी। तो रीसेट पिक्चर एंड साइज करके देख लेते हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं जो आपका पिक्चर का साइज था वो भी पहले जैसा होगा, जो पिक्चर थी वो भी पहले जैसा होगी। तो ऐसा आप रीसेट पिक्चर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन है इधर पिक्चर स्टाइल, तो ये बॉर्डर लगाने के लिए होता है पिक्चर में, जैसे यहाँ पर कुछ इस तरह आप पिक्चर में बॉर्डर वगैरह लगा सकते हैं। आप देख रहे होंगे कुछ इस तरह आप पिक्चर में बॉर्डर लगा सकते हैं, इस तरह आप देख सकते हैं पिक्चर में बॉर्डर लगा सकते हैं कुछ इस तरह, जैसा आपको जो फ्रेम अच्छा लगे आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं, कुछ इस तरह आप पिक्चर में बॉर्डर लगा सकते हैं। अब ये नेक्स्ट है यहाँ पर पिक्चर बॉर्डर, यहाँ पर जो ये बॉर्डर है अभी जो इसका बॉर्डर है वो ब्लैक में है, अगर मुझे ब्लैक के अलावा कोई और कलर चाहिए तो मैं पिक्चर बॉर्डर का इस्तेमाल करूँगा, इस पर क्लिक करूँगा, जैसे रेड चाहिए, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, यहाँ से आप कोई भी कलर को सिलेक्ट करके फिर क्लिक करके आप सेट कर सकते हैं पिक्चर बॉर्डर को। और वेट है आपको लाइन कितनी मोटी या पतली चाहिए उस तरह आप सेट कर सकते हैं उसको, यहाँ पर डैशेस में कि लाइन कैसे चाहिए, बिल्कुल सीधी लाइन या डॉटेड लाइन में चाहिए, कुछ इस तरह आप जैसा आपको ठीक लगे वैसे सेट कर सकते। अब नेक्स्ट ऑप्शन है पिक्चर इफेक्ट, इस पर क्लिक करेंगे तो प्रेजेंट पे कुछ इस तरह आप इफेक्ट दे सकते हैं पिक्चर को जैसा आपको ठीक लगे। शैडो से आप पिक्चर में शैडो दे सकते हैं, कुछ इस तरह आप शैडो दे सकते हैं। रिफ्लेक्शन में देख लेते हैं, कुछ इस तरह आप देख सकते हैं आप रिफ्लेक्शन दे सकते हैं पिक्चर में, कुछ इस तरह। ग्लो में कुछ
साइड साइड में जो पिक्चर की बाउंड्री है वहां पर ग्लो आ जाएगा, कुछ इस तरह येलो देना है या रेड देना है, जैसा आपको ठीक लगे उस पर क्लिक कर, सॉफ्ट एज में कुछ इस तरह पिक्चर हो जाएगी। और इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह देख सकते हैं आप, बस इस पर आपको जो ठीक लगे वो बस क्लिक करके आप देख सकते हैं। यहाँ से 3D रोटेशन आप देख सकते हैं, यहाँ से आप जो आपको ठीक लगे तो उस पर क्लिक करके आप पिक्चर को इफेक्ट दे सकते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन है पिक्चर लेआउट, तो ये पिक्चर लेआउट यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कोई चार्ट बन जाता है, फिर उसके अंदर हम लिख सकते हैं। जैसे मैं ये वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेता हूँ और फिर ये ऑप्शन सिलेक्ट करा, तो यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं ऐसे करके आप। और इसका कलर बदलना है तो यहाँ से आप रेड कर दीजिए या आपको जो ठीक लगे, इस तरह आप पिक्चर में इफेक्ट दे सकते हैं कुछ। अभी मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ, तो इस तरह आप पिक्चर में इफेक्ट दे सकते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन है पोजीशन, अगर आप पोजीशन पे क्लिक करेंगे फिर अभी जो पोजीशन है, अभी ये प्रेजेंट वाली इसकी पोजीशन है, और ये आपका एक तरह से समझो कि एक तरह से ये आपका पेज है, ये आपका जो टॉप में साइड होता है, ये यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है पोजीशन इन टॉप लेफ्ट, मतलब टॉप पे लेफ्ट में ये पोजीशन है इसकी, ये मिडल में है लेकिन टॉप में रह गए, ये साइड में है, ये बिल्कुल मिडल चाहिए कि मुझे पेज के बिल्कुल मिडल ही चाहिए, ये डाउन में है। ऐसे करके आप पिक्चर को जहाँ मूव करना है वहाँ मूव कर सकते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन है द रैप टैक्स, रैप टैक्स को यूज करने से पहले पिक्चर को जो साइज है उसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। अब आप देख सकते हैं पिक्चर को अगर आप मूव करेंगे तो ये मूव नहीं होगी, जब आप इंसर्ट में जाके पिक्चर लेंगे और जैसे पिक्चर इंसर्ट होती है पेज में, अगर आप मूव करना चाहेंगे तो जो पिक्चर है वो मूव नहीं होगी, क्योंकि ये जो पिक्चर होती है वो लॉक हो जाती है जैसे पेज में इंसर्ट होती है। तो इसको फ्री करने के लिए रैप टेक्स्ट पर जाएंगे, स्क्वायर टाइप प्रो, इधर बहुत सारे ऑप्शन है, इस पर आप कोई भी क्लिक कर सकते हैं, फिर आप पिक्चर को मूव कर सकते हैं। जैसे अगर मैं इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट क्लिक करूंगा तो अगर आप मूव करेंगे तो कुछ इस तरह पिक्चर मूव होने लग जाएगी, लेकिन अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो आप देख सकते हैं स्क्वायर तो हो गई लेकिन जो टेक्स्ट है वो कुछ इस तरह हो जाएंगे, मतलब इसके पीछे नहीं लिखे जाएंगे, इसके आगे आ जाएंगे, इस तरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन इधर थ्रो में ऐसा जाएगा, टॉप एंड बॉटम में कुछ इस तरह बिहाइंड टेक्स्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं पिक्चर के ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ है, इस तरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं पिक्चर को। और मुझे इसके ऊपर चाहिए तो इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट जो मोस्टली यूज होता है वो ज्यादातर इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट ही ज्यादा इस्तेमाल होता है, इस तरह आप पिक्चर को मूव करवा सकते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन है ब्रिंग फॉरवर्ड और ब्रिंग टू फ्रंट, अगर इसके लिए एक आप दो पिक्चर इंसर्ट करनी पड़ेगी, यहाँ पिक्चर में जाके डिस डिवाइस में ये वाली फोटो इंसर्ट कर लेता हूँ, साइज थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, आप देख रहे ये मूव हो ही नहीं रही, तो मैंने बताया था इसको आप इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर लीजिए फिर आप जाके ये मूव होगी। अब ये दो पिक्चर है जैसे मैंने इसके ऊपर रखा, अब आप देख रहे होंगे जो ये पहली वाली पिक्चर थी ये उस पर हाइड हो रही है, अब मैं चाहता हूँ फ्रंट में आए और ये पीछे जाए, ये वाली जो पिक्चर है पीछे जाए और ये आगे की तरफ है, तो मैं ब्रिंग फॉरवर्ड की तरफ करूंगा। जैसे ब्रिंग फॉरवर्ड करा तो आप देख रहे हो पिक्चर है वो आगे आ गई और ये ऑटोमेटिकली बैक पे चली गई, तो उसी का अपोजिट यहाँ पर भी है सैंड बैकवर्ड, इसको मुझे पीछे की तरफ रखना है और इसको आगे की तरफ रखना है, तो इस पर क्लिक करूंगा और उसको सैंड बैकवर्ड पे क्लिक कर दूंगा, तो आप देख सकते हो जो पिक्चर है वो पीछे चली गई, इस तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सिलेक्ट पेन पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं ये दिखा देगा कि जो आपके पेज में पिक्चर है वो कितनी इंसर्ट है, तो मेरी इधर पिक्चर 1 और 3 है, तो यानी दो पिक्चर इंसर्ट है, इसको हाइड ऑल कर देंगे तो पिक्चर गायब हो जाएगी, सो ऑल करेंगे तो पिक्चर दिखने लग जाएगी, इस तरह आप यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन है इधर रोटेट का, इससे आप पिक्चर को रोटेट कर सकते हैं कुछ इस तरह, क्लिप हॉरिजेंटल वर्टिकल 90 डिग्री पे करना है, लेफ्ट या राइट 90 डिग्री, इस तरह आप रोटेट कर सकते हैं। और क्रॉप करना है
तो पिक्चर को इस तरह क्रॉप कर सकते हैं, कुछ इस तरह आप पिक्चर को क्रॉप कर सकते हैं, और फिर क्रॉप पे क्लिक कर दीजिए, आप देख सकते हैं जो पिक्चर है वो क्रॉप हो गई है। इस तरह आप इस्तेमाल कर सकते हो। हाइट है, इसकी हाइट बढ़ानी ऐसे यहाँ से बढ़ा सकते हैं। विडिट है, इसकी विडिट बढ़ानी कुछ इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप माउस से भी इसको पकड़ के कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन द शेप, यहाँ पर ऑप्शन देख रहे होंगे इधर टेक्स्ट बॉक्स, अगर आप इसको ड्रॉ करेंगे तो उसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं, और ये शेप नीचे है तो यहाँ पर कई सारी आपको शेप मिल जाएगी, आप ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे ये एरो है, इसको कुछ इस तरह आप ड्रॉ कर सकते हैं। अब जैसे आप ये स्क्वायर बनाएंगे तो आप देख सकते हो ऊपर एक फॉर्मेट टैब खुल जाएगा उसके, तो ये इसकी प्रॉपर्टीज है, इसमें कलर भरना या लाइन में कलर देना, तो यहाँ से आप दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर शेप स्टाइल है, तो यहाँ से आप कुछ इस तरह इसमें स्टाइल दे सकते हैं। यहाँ से अगर आपको पसंद आए तो यहाँ पर शेप फिल है, यहाँ से इसके अंदर भी आप कुछ भी कलर दे सकते हैं, कुछ इस तरह दे सकते हैं, और अंदर ऐसे कुछ इस तरह लिख सकते हैं। और शेप आउटलाइन है, जैसे आप देख सकते हो ये आउटलाइन है, इसका कलर ब्लैक है, यहाँ से चेंज करना है तो मैंने आपको पहले ही बताया था, यहाँ से आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं। लाइन कलर है, तो लाइन कलर में आप कोई भी कलर दे दीजिए, रेड है। अब लाइन थोड़ी मोटी चाहिए तो यहाँ से वेट में जाकर आप ऐसे दे सकते हो, शेप इफेक्ट है तो यहाँ से आप कोई भी ऐसा इफेक्ट करके दे सकते हैं। आप यहाँ पर सारे ऑप्शन एक एक बार क्लिक करके देख लीजिए तो यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। इसको कंट्रोल जेड कर लेता हूँ, और जैसे ये टेक्स्ट है, इसको स्टाइल देना है कुछ इस तरह, तो इस तरह आप दे सकते हैं टेक्स्ट को स्टाइल, कुछ इस तरह आप दे सकते हैं। टेक्स्ट फील है यहाँ पर, यहाँ पर कि जो अंदर टेक्स्ट लिखा है उसको उसको कलर कैसे देना है, येल्लो ग्रीन, यहाँ से आप दे सकते हैं। टेक्स्ट की आउटलाइन है, जो अक्षर की आउटलाइन है वो कैसे किस तरह देना है, रेड येल्लो, आप यहाँ से क्लिक करके देख सकते हैं। यहाँ पर शैडो है, टेक्स्ट में शैडो देना है या रिफ्लेक्शन देना है, इधर ग्लो का ऑप्शन है, बेवेल, कुछ इस तरह आप दे सकते हैं। इधर यहाँ पर ऑप्शन है कुछ ऐसे सर्कल में लिखा होता है, आपने देखा होगा, तो यहाँ से आप अपने हिसाब से ऑप्शन को सेट कर सकते हैं। यहाँ पर अलाइन डायरेक्शन देख रहे होंगे, कुछ इस तरह 90 डिग्री पर कुछ इस तरह आ जाएगा, ऐसा बॉक्स कुछ इस तरह आ जाएगा, 270 डिग्री कुछ इस तरह ये हॉरिजेंटल प्रेस किया जाएगा। अब नेक्स्ट है अलाइन टेक्स्ट इधर टॉप मिडल बॉटम, कुछ इस तरह आप देख रहे हैं। यहाँ पर पोजिशन है, तो ये ऑप्शन मैंने आपको पहले बता दिया है, आप एक एक को ऑप्शन को क्लिक कर करके देख सकते हैं। अब इसको मैं फिलहाल इस बॉक्स को मैं डिलीट कर देता हूँ। अब इंसर्ट टैब में चलते दोबारा, तो आप नेक्स्ट ऑप्शन दिए स्मार्ट आर्ट, स्मार्ट आर्ट पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं इधर कई सारे चार्ट है, तो कुछ इस तरह आप कर, जैसे ट्राइंगल है इस पर ओके करेंगे, तो इसके अंदर अगर आपको कुछ लिखना है कुछ ऐसे आप लिख सकते हैं, और आप अपने और चार्ट का जो स्टाइल है वो चेंज करना, कुछ इस तरह आप चार्ट के स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, कुछ इस तरह, तो ऐसे आप चेंज कर सकते हैं, कुछ इस तरह बना सकते हैं। अब इसको कंट्रोल जेड कर लेता हूँ, अब इंसर्ट टैब में चलते हैं दोबारा। अब यहाँ पर है चार्ट, तो यहाँ पर चार्ट अगर बनाना है जैसे बार ग्राफ या पाई चार्ट, तो यहाँ से आपके सारे चार्ट बन जाएंगे, तो पाई चार्ट है, इसको ओके करूँगा, तो जैसे ही ओके करूँगा आप देख सकते हो पर एक एक्सेल की सीट खुल गई है, तो यहाँ पर इसको आपको नाम देना है, यहाँ से आप कोई भी नाम दे दीजिए, ए बी सी डी, और फिर यहाँ पर 45 दे दिया मैंने, 80 दे दिया उसको 90, तो आप देख रहे होंगे नीचे ऑटोमेटिकली जो ग्राफ हो चेंज हो जा रहा है इस तरह, और फिर इसको क्लोज कर दीजिए तो जो ग्राफ है आपको चेंज हो गया। अगर ये आपको ये ग्राफ अच्छा नहीं लग रहा तो यहाँ पर कई सारे ग्राफ का स्टाइल है, आपको जो ठीक लगे उसको बना सकते हैं, कुछ इस तरह आप ड्रॉ कर सकते हैं। अभी फिलहाल के लिए मैं डिलीट कर देता हूँ उसको। अब नेक्स्ट ऑप्शन है इधर स्क्रीन शॉट, स्क्रीन शॉट के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, मैं उसको आई बटन पर दे दूंगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं, या तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन पर डाल दूंगा, आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट ऑप्शन इधर एड इट, यहाँ से गेट एड इन पे क्लिक करेंगे, ये जो ये एड इन का जो ऑप्शन है इसके लिए आप ध्यान रखें आपके कंप्यूटर या लैपटॉप पे इंटरनेट होना चाहिए, तभी ये ऑप्शन काम करेंगे। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे गेट एड इन पर,
तो यहाँ से आप देख सकते हैं तो बहुत सारे ऑप्शन है। अगर आपको एमएस वर्ड में ये सारे ऑप्शन ऐड करना है तो यहाँ पर आप ऐड क्लिक करेंगे, जैसे इमोजी कीबोर्ड है, अगर आपको इमोजी का कीबोर्ड चाहिए तो ऐड करेंगे, तो आप इस ऑप्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं। आप ऐड करके देख सकते हैं इसको कि कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। माई एड इन पे मतलब जो यहाँ से आप ऐड करेंगे वो आपको इधर शो करेगा। अभी मैंने कोई भी ऐड नहीं करा है इसलिए शो नहीं हो रहा, अगर आप ऐड करेंगे वहां से तो यहाँ से आपका शो करने लग जाएगा। और विकिपीडिया मतलब आपको पता ही है कि किसी के ऊपर निकालना, जैसे आप गूगल में विकिपीडिया आप देखते होंगे यहाँ पर, जैसे ये इंसाइक्लोपीडिया, तो इस तरह आप निकाल सकते हैं। तो चाहे आप वहाँ से एमएस वर्ड से भी आप यहाँ से इस्तेमाल कर सकते हैं या आप गूगल से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इधर ऑनलाइन वीडियो है तो इसके लिए पहले मैं गूगल पे चलता हूँ। जैसे ये मैंने एक वीडियो निकाल रखी है, जैसे मैं इस वीडियो का लिंक कॉपी कर लेता हूँ, फिर दोबारा अपनी फाइल पे चलते हैं एमएस वर्ड में। यहाँ पर ऑनलाइन वीडियो, ये भी इसके लिए भी आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में इंटरनेट होना चाहिए तभी ये ऑप्शन काम करेगा। इस पर क्लिक करेंगे ऑनलाइन वीडियो, तो यहाँ पर लिख रहा है एंटर द यूआरएल, मतलब वीडियो का लिंक किधर यहाँ डालना। तो यहाँ पर मैं कंट्रोल वी की मदद से पेस्ट कर देता हूँ और जैसे इंसर्ट करेंगे तो आप नीचे देख सकते हैं ये वीडियो मेरी इंसर्ट हो गई है एमएस वर्ड। फिर इसको मैं प्ले करूँगा तो कुछ इस तरह आप यहाँ से प्ले कर सकते हैं, ये देख सकते हैं आप यहाँ से आप प्ले कर सकते हैं, करूँगा तो ऐसे आप प्ले कर सकते हैं, कुछ इस तरह आप एमएस वर्ड में वीडियो को प्ले कर सकते हैं। अभी फिलहाल जो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब नेक्स्ट ऑप्शन पे लिंक बुकमार्क क्रॉस रेफरेंस, तो अगर लिंक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से अगर आप, जैसे मैं इधर फोटो इंसर्ट करवा लेता हूँ, मेरी फोटो जैसे मुझे पता है डेस्कटॉप में ये इमेज वाली फाइल है, इस पर जैसे क्लिक करूँगा तो जो इसका इमेज का जो यूआरएल होता है वो इधर आ जाएगा। अगर मुझे यहीं से अपनी इमेज को खोलनी है तो जैसे आप माउस के इधर ले जाएंगे तो आप देख सकते हैं कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक करके आएगा, तो आप कीबोर्ड का कंट्रोल बटन दबाना, जैसे आप कंट्रोल बटन दबाएंगे जो माउस वो कुछ हैंड जैसा आ जाएगा। तो इस लिंक पे अगर ऐसे आप क्लिक करेंगे माउस की मदद से तो जो आपकी पिक्चर है वो आप ओपन कर सकते हैं एमएस वर्ड की मदद से। अब इसी में एक और तरीका है, जैसे कंट्रोल जेड कर लेता हूँ, जैसे ये वीडियो प्रोवाइड है इसी को मुझे लिंक बनाना है, तो पहले सेलेक्ट करूँगा और लिंक पे जाऊँगा, फिर जो भी जिस फाइल या फोल्डर को खोलना है आप वहाँ पर चले जाइए, वहाँ से पिक्चर को यहाँ से ओके करके कर दीजिए। तो ये वीडियो प्रोवाइड वाला जो लिंक है वो लिंक बन चुका है, अब यहाँ से भी सेम इमेज खोल सकती है। तो इस पर ले जाएंगे, कंट्रोल क्लिक आ रहा है, कंट्रोल बटन दबा के रखे और माउस से आप प्रेस करिए तो देख सकते हैं इमेज जो ओपन हो गई है। अब इसको मैं नॉर्मल कर लेता हूँ कंट्रोल जेड की मदद से। अब नेक्स्ट ऑप्शन है इधर बुकमार्क, बुकमार्क का ऑप्शन मैंने आपको एमएस वर्ड का जो होम टैब का जो पार्ट 3 वीडियो है उसमें बता रखा है। मैं इस वीडियो का लिंक मैं आपको आई बटन पे दे दूंगा या डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, वहां से आप चेकआउट कर सकते हैं कि कैसे बुकमार्क को इस्तेमाल करते हैं। अब इसके बाद नीचे क्रॉस रेफरेंस, इसका इस्तेमाल सीखते हैं। जैसे क्रॉस रेफरेंस से मैं पहले जरा एक हेडिंग बना देता हूँ, कुछ इस तरह हेडिंग बना देता हूँ, यहाँ से इसको एंटर दबा के कुछ इस तरह हेडिंग बना देता हूँ। जैसे मैंने इधर ये एक और ये दो दो हेडिंग बना दिए, अब मुझे इसको दो पेज में चाहिए तो क्या करूँगा, मैंने आपको बताया था यहाँ से ये सेकंड पेज में चाहिए मुझे इतना, तो यहाँ पर कर्सर रखूँगा, इंसर्ट पे जाऊँगा, यहाँ पर मैंने आपको पहले बताया था पेज ब्रेक, तो इस पर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं ये दोनों अलग अलग पेज में हो गए। और इसके ऊपर चाहिए तो यहाँ पर कर्सर रखूँगा और पेज ब्रेक, तो आप देख सकते हैं फर्स्ट पेज मेरा ब्लैंक आ गया, सेकंड और थर्ड पेज, यानी इस फाइल में अभी मुझे तीन पेज है। अब सीखते हैं क्रॉस रेफरेंस, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं जो मैंने दो हेडिंग बनाई थी वो इधर आ गई है, यहाँ से आपको हेडिंग सेलेक्ट कर लेना तब ये हेडिंग आ जाएगी। तो जैसे मैं इसको इंसर्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर एंटर दबा के नीचे इसको भी इंसर्ट कर लेता हूँ। अब जैसे मुझे ये थीम्स एंड स्टाइल ऑल्सो पे जाना है, इस पर जंप करना है तो कंट्रोल और क्लिक दबाएंगे, सीधा आप जंप हो जाएंगे, फिर स्क्रॉल, यहाँ पर स्क्रॉल है इसकी वजह से आप फर्स्ट पेज पे जाएंगे, फिर वीडियो प्रोवाइड अ पावरफुल है इस पर जाना है तो कंट्रोल दबाएंगे, इस पर सीधा जंप हो जाएंगे।
अब अगर आपने एक बात नोटिस करी होगी तो मैं बार बार इधर स्क्रॉल की मदद ले रहा हूँ ऊपर जाने के लिए। मैं चाहता हूँ स्क्रॉल की मैं मदद ना लूँ ऊपर जाने के लिए, डायरेक्ट मैं जंप करूँ लिंक से ही। तो इसको मैं क्या करता हूँ, इसको भी मैं कुछ हेडिंग बना देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर इंडेक्स लिख देता हूँ, या इंडेक्स लिखा और इसको सिलेक्ट करा, होम टैब में गया, हेडिंग वन से मैंने इसको हेडिंग दे दी। अब दोबारा इंसर्ट में गया, अब जैसे मैं जाता हूँ इसमें जाऊँ थीम्स एंड स्टाइल ऑल्सो, इस पर गया, इस पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो जंप हो गया। अब मैं चाहता हूँ स्क्रॉल की मदद ना लूँ तो क्या करूँगा, क्रॉस लेफ्ट हैंड जाऊँगा, यहाँ पर आप देख सकते हो इंडेक्स के नाम से मैंने हेडिंग बनाई थी, और यहाँ से आप अबव बिलो पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर इंसर्ट पे क्लिक कर दीजिए। आप जैसे इंसर्ट करेंगे तो यहाँ पर आएगा अबव, इसको क्लोज करिए, अबव पे कंट्रोल दबाकर और फिर क्लिक करें तुरंत आप फर्स्ट पेज पर पहुंच जाएंगे। इस तरह आप लिंक के थ्रू पेज में जंप कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी एमएस वर्ड की इंसर्ट टैब की पार्ट वन वीडियो। अब नेक्स्ट पार्ट टू वीडियो आएगी इंसर्ट टैब की, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।